हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल रेनू बुटीक। आज हम जैकेट वाला लॉन्ग गाउन पार्टी वेयर बनाएंगे, जिसके लिए कि मैंने फैब्रिक लिया है। ये मेरा 1 मीटर फैब्रिक है ऊपर की बॉडी के लिए, और ये मेरा अस्तर है, ये 2 मीटर है ये, और ये 2.5 मीटर की जो जैकेट है, जैकेट बनाने के लिए 2.5 मीटर का फैब्रिक है, और ये मेरा 3 मीटर का डबल अर्ज का फैब्रिक है ये, इसके अंदर 90 सेंटीमीटर का डबल लार्ज का फैब्रिक है ये मेरा 3 मीटर। इससे हम एक 17 एज की गर्ल के लिए हम लॉन्ग पार्टी वेयर जैकेट वाला गाउन बनाएंगे। चलिए मेजरमेंट बता देते हैं। तो देखिए, अभी हमने ये बॉडी का जो हमने मेजरमेंट है पूरा ले लिया है। बॉडी का मेजरमेंट 2 इंच, और उसी के मेजरमेंट से हमने इसमें अस्तर भी रख लिया है। तो इसको हम 4 पार्ट्स में रख लिया है। ये 2 अस्तर हैं और ये हमारा जो मेन फैब्रिक है वो रख लिया है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि मैंने और वीडियोज में बताया है कि बॉडी किस तरह से कटिंग करते हैं। अब इसको हम यहाँ से अपने नेक का मेजरमेंट करेंगे। नेक यहाँ से हम 3 इंची को लेंगे, और यहाँ से हमारा शोल्डर होगा 7 इंची, और हमारा आर्म होल है, जिसका चेस्ट हमारा 38 है तो आर्म होल हमारा ज़्यादा होगा, तो आर्म होल हम 8 रखेंगे। और जो हमारा ये सेंटर है, इसकी जो सेंटर है, यहाँ से हम इसका निशान लगाएंगे गहराई का, देखिए। और जो इसका जो हम सेंटर होता है हमारा, उसी से हम यहाँ से यहाँ से, तो जो ये जो बीच का सेंटर है हमारा, इसी के अंदर से हम 1/2 इंच ये यहाँ पर गहराई देते हैं हम आगे वाले अपने बॉडी के पार्ट की, और इसी से हम पीछे के बॉडी के पार्ट की गहराई देते हैं। इस तरह से हमारा मेजरमेंट आता है। तो ये हमने दोनों पार्ट के निशान लगा दिए हमने यहाँ पे, और ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर में हम 1/2 इंच की गहराई देते हैं इस तरह से, इसको कि हम बाद में कट करेंगे। और हम अब नेक की कटिंग करेंगे। अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं तो सिंपल बनाइए, अगर आपको कटिंग करनी है कोई डिज़ाइन वाली तो वो भी कर सकते हैं। इसको 5 इंच लॉन्ग रखेंगे। अब हम इसको लॉन्ग कर देंगे, अब इसको हमने राउंड कर दिया है, और हम इसके अंदर ऊपर से जो निशान लगाते हैं, हम जो प्लेट्स का निशान जो लगाएंगे वो हम 9 पॉइंट का लगाते हैं। तो ये हमारी ऊपर की बॉडी तैयार हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा अस्तर भी है अंदर, और ये ऊपर का पार्ट है, दोनों को मिला के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इसकी हमने कटिंग कर ली है बॉडी की सारी। और उसके बाद जो हमें शेप रखनी है, जो हमने एक्चुअल शेप है हमारी, हम उसके लिए हम यहाँ पर मेजरमेंट करके लगा देंगे निशान, ये यहाँ से 9 इंची का। और जितनी हमारी कमर है वहाँ पर हम निशान लगा देंगे, बाकी फैब्रिक हमारा सीमन उसके लिए रखा रहेगा, बच जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने बॉडी कटिंग कर ली है। अब आइए हम घेर की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसे कोन शेप में रख लिया है, जैसे कि मैंने और फैब्रिक्स को रखा होता है ना, ये सीधा करके ये पूरा कोन शेप में रख लिया है हमने। और इसके अंदर हमने कमर का 4/4 हिस्सा लिया है यहाँ से, और ये हमने पूरी लेंथ ली है उसकी, और जितनी हमारी लेंथ है उसको हमने यहाँ से पूरे घेर में निशान लगा दिया। तो हमने पूरा घेर का निशान हमारा 43 है, और इसमें से हमने बॉडी का जो जो मेजरमेंट है वो मैंने निकाल दिया है। बॉडी हमारी 14 है,
और हमने प्लस 5 किया था तो उसको हमने कटिंग कर दिया उधर से और ये बाकी मेजरमेंट ये ले लिया है तो इसको हमने यहाँ से घेर में से गोल लाइन में निशान लगा दिया है तो ये हमारा ओरेक कट नीचे का घेर तैयार हो गया है तो इसको हम कट कर देते हैं ये देखिए अब इसकी हमने घेर की कटिंग कर ली है अब हम इसकी जैकेट की कटिंग करेंगे ये देखिए ये मेरा 2.5 मीटर फैब्रिक है इसको मैंने 4 पीस में रख लिया है इसको आप और भी तरीके से बना सकते हो लेकिन मैंने इसको और इजी तरीके से आपको कटिंग करके बताऊंगी इस तरह से मैंने रख लिया अब इसको हम जो बॉडी है हमारी जो बॉडी की हमने कटिंग की थी वो इस तरह से हम रख लेंगे इसके ऊपर सिंपल मेजरमेंट और उसके ऊपर हम इस तरह से निशान लगा देंगे ये पूरा शोल्डर है जैसा भी हमारा आया और ये हमारा आर्म होल और ये जो हमारी बॉडी है इसके अंदर हम प्लस करेंगे सीम अलाउंस के लिए 2 इंच हम तक प्लस करेंगे और उसके बाद जो यहाँ से हम यहाँ से हमारा जो बॉडी का जो मेजरमेंट है 15 है हम 16 रख लेंगे इसको हम 16 करके यहाँ से ये हमारा कमर का निशान हो जाएगा और इसके बाद यहाँ से हम जितना हमारा फैब्रिक है हम उसमें पूरी में निशान लगा देंगे जितना वहाँ तक जा रहा है हमारा फैब्रिक हम उसके अंदर एक्स्ट्रा पूरा निशान लगा लेंगे तो ये हमारा ए शेप हो जाएगा और हमको बहुत पूरा फैब्रिक मिल जाएगा तो हम इसको इस तरह से निशान लगा के फिर पहले हम यहाँ से निशान लगा कर इसको हम छोड़ देंगे और आगे पीछे का पार्ट हम निकाल लेंगे ये देखिए अब हम जैकेट की जो नेक की जो लेंथ है हम उसको हम 3 इंच ले लेंगे और इसकी ब्रॉडनेस है 1.5 लेंगे और मिला देंगे इस तरह से और ये शोल्डर इससे टच है अभी हम इसकी कटिंग तब करेंगे जब हम दोनों को कटिंग करके अलग निकाल देंगे और दोनों पार्ट्स को अलग अलग करके तब हम दोनों की नेक कटिंग करेंगे क्योंकि फ्रंट की कटिंग हम अलग करेंगे और बैक की अलग करेंगे इसलिए अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को अलग करके उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे ये देखिए फ्रंट एंड बैक पार्ट को हमने अलग कर लिया है और हमने जो बैक पार्ट है इसको हमने इसकी लेंथ हमने 3 इंचेस ली थी और यहाँ से हमने 2 इंचेस लिया था तो हमने उसको कट कर दिया है ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है फ्रंट पार्ट में हमने इसकी जो ये लेंथ है ये हमने 3 इंचेस ली है और इसकी जो इतनी ब्रॉडनेस है ये हमने 10 इंचेस ली है और इसको हमने इस तरह से दोनों को मिला दिया है अब इसकी हम नेक को इस तरह से कट कर देंगे और फ्रंट में से भी पूरा नीचे तक कट कर देंगे ये देखिए हमने अभी ये कट कर लिया है और फ्रंट से भी हमने इसको ओपन कर दिया है इसकी इस तरह से शेप आ गई है कि अब इसको हम अलग करके अब ये साइड से जो हमारा यहाँ से फैब्रिक है ये थोड़ा सा कोना निकलेगा इसको हम यहाँ से 1.5 या 2 इंचेस हम इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे शेप लेके ताकि हमारे ये कोना इससे साइड से निकले नहीं ये थोड़ा सा राउंड हो जाएगा ये हमारी आगे की जैकेट में फिनिशिंग आ जाएगी फिर इसको हम मोड़ देंगे ये देखिए अब फ्रंट की कटिंग हो गई है ये और ये हमारी बैक की कटिंग हो गई है अब चलिए अंदर वाली ड्रेस की स्टिचिंग कर लेते हैं उसके बाद हम जैकेट की स्टिचिंग करेंगे ये देखिए अभी हमने ऊपर की बॉडी को अंदर से सिल कर उसको सीधा कर दिया है इस तरह से दोनों पार्ट्स को और जो कमर है दोनों की कमर का मेजरमेंट एक सा लेकर तो हम उसे ज्वाइन कर देंगे और ये भी घेर तैयार हो गया है पूरा बस ये तो अंदर का तो सिंपल है और अब बाहर की जैकेट को लेंगे हम ये देखिए जब ये जैकेट की जो हमारी बैक वाली नेक है उसको किसी उरेब कपड़े पर रख लीजिए जैसे ये खिंचता है इस तरह से स्टिच होता है इस तरह से स्टचिंग होती है तो उसके ऊपर आप इस फैब्रिक को इस तरह से नेक रख लीजिए उसके बाद उसके ऊपर इस तरह से निशान लगा देंगे हम ये
और इसमें से ये इतनी पट्टी हम कट कर लेंगे अपने नेक के लिए। यहाँ से इतनी पट्टी हम कट कर लेंगे जो हम नेक पर लगाएंगे, तो वो ओरेप कपड़ा ही होना चाहिए, इस तरह से खींचना चाहिए वो। तो ये हम पीछे भी वही लगाएंगे और जो हम फ्रंट की जैकेट में है वो भी वही लगाएंगे। और एक मेन बात मैं आपको बता दूँ इस जैकेट के लिए कि जो हमारी एक्चुअल जो हमारा मेजरमेंट होता है ना वही हम इसके अंदर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी एकदम अटैच नहीं होती, आगे से ओपन होती है, उसमें डोरी लगती है। तो आप डोरी ढीली ज़्यादा कैसे भी कर सकते हो, तो वो उसका मेजरमेंट एक्यूरेट होता है, इसलिए हम उसको उसी हिसाब से कटिंग करते हैं। सीम अलाउंस के लिए 2 इंच रखते हैं, बाकी इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं रखते। ये देखिए स्टिच हो गई है, इसके अंदर मैंने चटकी लगा दी है साइड से, ये कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको हम जैकेट बनाएंगे इसकी। ये देखिए ये पीछे का पार्ट है और ये हमने गोल शेप में कटिंग कर लिया है इस तरह से। ये ओरे फैब्रिक है ये खींचने वाला, तो इसके ये इसको इस तरह से लगा देंगे हम। इस तरह से इसमें अटैच कर देंगे। अभी हम इसको पिनअप कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम पक्का करके फिर मोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से पिनअप करके फिर हम उसको इस तरह से हम इसको मोड़ देंगे। ये हमारा नेक तैयार हो जाएगा इस तरह से। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट को भी हमने इसी तरह से तैयार किया है। ये देखिए फ्रंट को भी ओरेब में हमने जो स्ट्रिप्स कटिंग की है ये दोनों साइड की है। ये इस तरह से हम इसको आगे इस तरह से अटैच कर देंगे हम जैसे हमने बैक में किया है, और उसके बाद हम इसको मोड़ देंगे। और जो हम सामने वाली जो हमारी जो आगे सामने की जो कटिंग आएगी उसके अंदर एक सीधा फैब्रिक लगाकर हम अंदर से अंदर मोड़ देंगे, जैसे इस तरह से लगा के सीधा फैब्रिक, और फिर इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे। फिर ये हमारी जैकेट का फ्रंट का पार्ट तैयार हो जाएगा। अभी आपको मैं इसको पिनअप करके पक्का करके दिखाती हूँ, जैसे अभी हमने इसको बैक किया था वैसे इसको हम फ्रंट में भी करेंगे इस तरह से। अब ये देखिए कंप्लीट हो गया है, देखिए इस तरह से ही। अब देखिए ये अंदर की ड्रेस है, ये मैंने तैयार कर दी है। देखिए अब ये गाउन तैयार हो गया है, मेरा ऊपर का कोट, ये मैंने इसके अंदर लटकन भी तैयार कर दी है। वैसे चीज़ें लगा के और अच्छा लगता है पार्टी वेयर गाउन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, थैंक यू।